एक जोरदार ताली हमारे मनीष भाई का चरण छू के प्रणाम दिल से बांध हम जाएंगे माता पर हाथ रख के आशीर्वाद चल रहे जोरदार ताली होनी चाहिए मनीष भाई के लिए। और आज इनका सशक्त न्यूज के कौन नहीं जानता, सब लोग जानता, अभी इनका न्यूज छोटा बच्चा का सोनू हाँ वो भी हीरो हो गया, इनका ही पहले हम न्यूज देखे थे और पूरा छायले चल रहा है। हाँ इनका आशीर्वाद जिनके पर जाता है समझिए को यूट्यूब का हीरो बन जाता है। मेरा भी एक छापे थे वो भी बहुत सारे लोग देखे और सुने प्यार आशीर्वाद दिए और सही पप्पू भैया बाकी हम चाहेंगे आदिति सरपंच जी से आप इंटरव्यू लीजिए बोलो भाई। और मैं चाहूंगा कि जब मनीष भाई उपस्थित हैं कुछ मैं चाहूंगा कि कुछ जब आए हैं तो कुछ कह दीजिए कुछ बोल कुछ कह दीजिए। इनसे पहली बार मुलाकात हुआ था मेरे गांव में, एक कार्यक्रम हो रहा था नदी के किनारे छठ के अवसर पे, उस समय मुलाकात हुआ था और उस समय से मैं जानता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे लोगों से हमारा अच्छा भी संबंध है, लेकिन इनको एक बार बोला मैं कि आना है इस सोसाइटी में और हम लोग इतना ही पैसा देंगे, तो इन्होंने साफ साफ बोला, वो सरपंच साहब है, उन्होंने बोला कि पैसा दीजिए मत दीजिए, आपका कार्यक्रम है हम वहाँ पे आएंगे जरूर। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों से अच्छा संबंध है, एक दो आदमी से और हम लोगों ने फोन किया तो कुछ लोग शायद समझेंगे कि पैसा कम देगा इसलिए बोल दिए कि व्यस्त है, बहुत सारे लोग चार पांच आदमी से बातचीत किए थे, हालांकि कुछ लोगों का आज कार्यक्रम भी है कहीं कहीं और जगह पे, लेकिन इन्होंने बोला कि अगर हमारा कार्यक्रम भी होगा तो हम व्यवस्था करेंगे और आएंगे और आप पैसा दीजिए मत दीजिए लेकिन हम आएंगे। और ये आई हमें अच्छा लगा और आप और ऐसे ऐसे कलाकारों का हम लोगों को समर्थन करना चाहिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे कलाकार हैं जो सो कॉल्ड सुपरस्टार अपने आप को समझते हैं और जमीन से उठी हुई हैं, इनके बारे में अगर आप लोग जानिएगा तो समझ में आएगा, जमीन से एकदम जिनको मतलब कि उतना बढ़िया बैकग्राउंड जिनका नहीं था वहां से उठ के जो है आज इस मुकाम पे पहुंची है, तो ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग बढ़ाया जाए तब जाके हमारा बिहार का भी विकास होगा और हम लोगों का अगर आप लोगों ने साथ दिया तो आप लोगों के यहाँ रोड भी बनेगा, अभी बन रहा है ना रोडवा हाँ। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो आप ही की देन है ठीक ना, आपकी देन है कि आप डिप्टी कमिश्नर को यहाँ बुलाएं। संजोग से डिप्टी कमिश्नर जो है वो मेरे ही स्कूल में पढ़े हुए हैं, पटना के डिप्टी कमिश्नर हैं, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, उन्होंने सुन लिया और ठेकेदार का नाम रोशन कुमार निकल गया तो बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि रोशन भैया को हम ठेकेदारी दिलवा दी है, हमको अलग टेंशन हो गया, फिर बाद में पता चला कि कोई दूसरा ठेकेदार है और वो काम अब ईमानदारी से आप लोग काम करवा लीजिए, थोड़ा सा लेट हुआ तो शायद से यहाँ के लोगों के वजह से लेट हुआ, वो आपके बारे में जान रहा है इसीलिए वो ईमानदारी से ही काम करेगा। उसको पता है रोड लाया हुआ मनीष कश्यप का है, इसमें भ्रष्टाचार तो नहीं हो पाएगा, क्या पता आपको सेट कर लिया होगा। और ये अच्छा जागरण कार्यक्रम इनका बहुत अच्छा है, मैंने फेसबुक पे भी इनका बहुत सारा लाइव देखा है और मेरे गांव में भी इन्होंने कार्यक्रम किया था, तो जागरण कार्यक्रम ये बहुत अच्छा करती है। आपका प्यार बाकी हम आपके लिए दो लाइन कहना चाहेंगे कि हम नेता लोग के देखने थे कि कोई अपना के बुझला में मनीष भैया जैसन शेर न होई, मनीष भैया जैसन शेर न होई, बाबा के दरबार में हम कह रहे हैं आज तो ये माइक पकड़ा के जब इंटरव्यू लेते हैं तो बढ़िया बढ़िया के घसीट देते हैं, मतलब हम अपना भाषा बोल रहे हैं लपेट देते हैं, जिस दिन ये नेता बनेंगे तो का हाल होगा सब लोग का मुझे पता नहीं है। बाकी हम चाहते हैं बाबा के दरबार में आप एक बार जरूर नेता बनिए और सब लोग का रक्षा करिए, बाबा का दरबार है, भोले बाबा का आशीर्वाद आप पे बने। कल से ही बहुत सारे लोग जो है न्यूज चैनल वाले जो है मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि मनीष कश्यप अब पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, तो जो कर रहे हैं उसे करने दीजिए। देखिए पीछे की बात है, पप्पू राणा जी हैं हमारे गार्जियन
जब हम पहली बार आपका इंटरव्यू देखते थे और जब आप बोलते थे नाली वाला एक रोड कर लेकर, तो हमको इतना ज्यादा समझ में कुछ नहीं आता है, बल्कि हम इतना जोर बोले थे कि ये ऐसे बोलते हैं ना, और जिस दिन ये नेता बनेंगे ना तो बढ़िया बढ़िया को देखेंगे। हाँ, बल्कि आज जो मन की बात हम आपको बता ही दिए, मन की बात, जन की बात। नेता का जो काम होता है, जो अर्जेंट काम होना चाहिए, 90% तो अभी कर ही रहे हैं बिना पोस्ट। वो तो पोस्ट जब मिल जाएगा फिर क्या करेंगे।